फ्रेंड, इस वीडियो में हम आपके लिए बहुत बड़ी खुशखबरी लेके हैं, क्योंकि हरियाणा में एक और नई भर्ती निकल चुकी है। यदि आप जानना चाहते हैं कि हरियाणा में किस प्रकार की नई भर्ती निकली है, तो वीडियो को लास्ट तक देखें। यदि आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक करें और अपने दोस्तों में शेयर करें। यदि आप मेरे चैनल पर न्यू विजिटर हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि मेरी आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। आप देख रहे हैं मंजीत अकेडमी चैनल, मैं हूँ आपका दोस्त मंजीत यादव। चलो फ्रेंड, अब शुरुआत करते हैं। राज्य के 21 अस्पतालों में अनुबंध पर रखे जाएंगे 32 कर्मचारी। चंडीगढ़, 15 अप्रैल की ये न्यूज़ है। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने कोविड-19 महामारी के दौरान 21 जिला अस्पतालों में वेलेंटर के सुचारू संचालन और भीड़ प्रबंधन के लिए अनुबंध पर विभिन्न श्रेणियों के 32 पदों की स्वीकृति प्रदान की है। प्रवक्ता ने बताया कि इनमें इंटेंसिविस्ट का एक पद, ड्यूटी मेडिकल ऑफिसर के 5 पद, स्टाफ नर्स के नर्सिंग सिस्टर के 20 पद, ओटीए या ओटी टेक्नीशियन, एंथीसिथिया टेक्नीशियन के 5 पद और काउंसलर का एक पद शामिल है। इससे एक वर्ष के 44,60,40,000 रुपये का वित्तीय व्यय होगा। सरकार ने वित्तीय के लिए मुख्यमंत्री के बजट भाषण के मैनेजर 81 वेलेंटर खरीदने की अनुमति दी है। जिला नागरिक अस्पताल पंचकुला में उपयुक्त मैन पावर पहले से ही कार्यरत है, अब शेष 21 जिलों में भी इसे दोहराने का निर्णय लिया है। महामारी के दौरान स्टाफ नर्स, फार्मासिस्टर और प्रयोगशाला टेक्नीशियन की आवश्यकता को पूरा करने के लिए मुख्यमंत्री ने स्टाफ नर्स के 1584 पद, फार्मासिस्ट के 92 पद, प्रयोगशाला टेक्नीशियन के 307 पद, रेडियोग्राफर के 197 पद को भरने के लिए भी स्वीकृति प्रदान की है। उपयुक्त सभी पद मुख्य सचिव की आउटसोर्सिंग नीति के भाग 2 के तहत भरे जाएंगे। तो फ्रेंड, ये बहुत बड़ी खुशखबरी है कि हरियाणा में नई भर्ती निकलने वाली है। मुख्यमंत्री ने ये घोषणा की है। यदि आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक करें और अपने दोस्तों में शेयर करें। यदि आप मेरे चैनल पर न्यू विजिटर हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि मेरी आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। भगवान करे आप सभी का दिन शुभ रहे।